गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हर्षित ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, मेरा कार्डियो सेशन था, कार्डियो सेशन मैंने कर लिया हुआ है। और आज हरविंदर जिम नहीं आया हुआ है, तो सिर्फ मैं आया हुआ था। और अभी वो शायद घर पे खाना बना ही रहा होगा, थका हुआ था वो, थोड़ा सोया हुआ था, तो मैं आ चुका था जिम के लिए। देखते हैं घर जाके वो क्या कर रहा है। मेरा सैटरडे था, तो आज सिर्फ कार्डियो सेशन था और वो था थोड़े से लंजेस वगैरह थे, वही वगैरह किए मैंने। अभी घर जा रहा हूँ और मेरा ये मसल पेन अभी तक नहीं गया, जो दांत के पास थोड़ा सा है, देखता हूँ डेंटिस्ट के पास जाने की नो लोड है कि नहीं है, थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। हाय, राशि गया जिम, आज मैं जिम नहीं गया। आई वॉन्टेड टू गो बट सेम टाइम आई चूज नॉट टू गो, स्टे बैक एट होम। दो कि मैं 5 बजे का उठा हुआ सुबह का। सो राशि इज इन जिम, आई एम श्योर आपने उससे बात करी होगी। मैं बना रहा हूँ ब्रेकफास्ट, मैंने रोटियाँ बना दी हैं। सी आई हैव मेड रोटीज फॉर माई सेल्फ, नाउ आई एम वेइंग पनीर। इस पनीर की बनानी है इसके लिए स्टफ रोटी। सो अब मैं इसके लिए स्टफ रोटी बनाऊँगा। जब जिम में आ जाएगा तब बाई देन ब्रेकफास्ट विल भी रेडी और मैं भी रेडी हो जाऊँगा तब तक ऑफिस के लिए। मैं बना रहा हूँ ये परांठा। वाह क्या फ्लिप था, ये बना दिया है मैंने इसके लिए परांठा। घर आते ये जनाब ऐसे पड़े हुए हैं, खाना वाना सब कुछ बन गया, नाश्ता बना दिया, लंच पैक कर दिया, बर्तन धो दिए, अभी ऑफिस जाना। देखो छुट्टी वाले दिन इसको इतने मजे होते हैं, जिस दिन जिम ना करे। ये क्या बन रहा है? अच्छा ऑमलेट है, तो इसने अपने लिए ऑमलेट बनाया। मुझे चाय पीनी है यार, पहले चाय पीनी है। नहीं मैं खुद ही बना लेता हूँ, आप बैठो। मैं बना लेता हूँ। नहीं नहीं मैं बना लूँगा, बैठ के आराम मिल गया यार, थक गया हूँ आज मैं। मैं जा रहा हूँ मंदिर और ये छोड़ेगा मुझे मंदिर और ये निकलेगा फिर ऑफिस के लिए। हाँ है ना। अब मैंने अभी पार्ट टाइम काम शुरू किया पिक एंड ड्रॉप का, तो कैब सर्विस ही समझ लो, लेकिन इस कैब सर्विस का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ तो घर के बंदे थोड़ा पैसे देंगे, क्या फ़ायदा, डिजिटल काम करने का पैसे ना मिले। तो मेरी पूजा वगैरह हो गई है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए और वो बेचारा वेट कर रहा होगा, जल्दी चलूँ मैं। पसीना आ गया मेरे को वहाँ मंदिर में, थोड़ी देर ही जाके मेरे को पसीन हो गया मैं तब से। अभी घर जाऊँ, भूख लगी है बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये प्रसाद दे दो इनको, बच्चों को प्रसाद ले लो, सारा दे दो, मीठा खाना मना है हमें प्रसाद। मुझे मीठा खाना मना है, इसको भी मीठा खाना मना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, बाकी हम सबको दे देते हैं। जहाँ से मुझे इसने पिक किया वहीं इसने मुझे ड्रॉप कर दिया। अब आपको बोलता है कोई जिम्मेदारी नहीं है, सही सलामत छोड़ दिया बाकी। तो ये जा रहा है अभी ऑफिस के लिए और मैं जा रहा हूँ अभी अपने रूम के अंदर। जाए बाय बाय। ओ घर आ गए हैं, अभी खाना खाते हैं। इसने मेरा परांठा बनाया है चोरस चोरस। इसे चोरस परांठा बनाया, पर ये बिना ऑयल के बनाया है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि इसने घी ऑयल लगा रखा। नहीं नहीं लगा रखा, वो उसने हल्दी डाली है शायद उसके बीच में, पनीर के बीच में। चलो थैंक यू, एटलीस्ट इसने बनाया तो है मेरे लिए यार, मैं खा लूँ, नहीं तो मेरा आते ही नंबर लग जाना था। बनाओ फिर खाओ, फिर इरिटेट होता है बंदा, गर्मी में खा भी नहीं पाता सही से। चलो अभी खाते हैं, इंजॉय करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर अपना काम ऑफिस का। एसी के नीचे बैठो, खाना वाना ले लिया, अभी एसी के बिना नहीं रहा जाता। अभी यहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ से बाहर का व्यू देखेंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है, वीडियो देख लेना ज़रूर, रील डाला नया वो पक्का देखना। और मुझे नहीं पसंद इसका काम वर्क फ्रॉम होम भाई, मैं चाहता हूँ मैं पूरा दिन कंटेंट बनाता रहूँ, पूरा दिन मैं से शूटिंग करवा लूँ, देखो वो चलेगा, आंखें ना ख़राब हो जाएगी मेरी ऐसे देख देख के। होप आज हरविंदर अच्छे से ऑफिस रह पाए, सुबह थोड़ा सा वीक फील कर रहा था, अभी तो पता नहीं उसका ठीक ही होगा। वैसे जिस दिन वो ठीक ना हो ना, मैं सोचता हूँ भाई उनके ऑफिस वालों की खैर ही है, पर कंट्रोल कर लेता वैसे वहाँ पे गुस्सा, वो फिर घर आके मेरे ऊपर निकल जाता सारा। चलो अभी मैं
काम कर लेता हूँ, काम करके फिर आपसे आराम से मिलता हूँ, आज आराम से मिलूंगा। सो फाइनली मेरा काम हुआ, ऑफिस का ख़त्म, आप कहो इसको अलविदा थोड़ी देर के लिए, सुबह फिर काम। तो अभी मैंने जस्ट अपने लिए बनाई है थोड़ी सी चाय, और अभी मैं पीऊँगा चाय, और चाय पी के तब तक शायद हरविंदर भी आ जाएगा ऑफिस से, आज शायद नहीं, अभी तो वो लेट आएगा, अभी तो कितना हो गया, 6:30 हो गया, अभी नहीं आ रहा वो। तो चलो तब तक हम चाय इन्जॉय करते हैं, थोड़ी सी सीरीज देखते हैं, अपना मी टाइम लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. यहाँ मैं दाल बना रहा था और दाल का पूरा पानी सूख गया। देखो गली तो है, ये तो गली भी नहीं है भाई, गली भी नहीं, दाल और पानी सूख गया। इसमें पानी और डालना पड़ेगा, फिर सीटियाँ लगवाने पड़ेंगी, माई गॉड। चलो कोई नहीं, खाना बनाते हैं, उसके आने से पहले खाना बना के बैठ जाते हैं कि फ्री हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि यार फिर ना टाइम नहीं मिलता हमें कुछ भी बनाने का या बात करने का, क्योंकि हमें बड़ी चीज़ों पे डिस्कशन करनी पड़ती है, कैसा कंटेंट चाहिए इंस्टाग्राम के लिए बला और यूट्यूब के वगैरह के लिए शॉर्ट्स वगैरह, तो इसलिए मैं पहले ही खाना डिनर बना के रख रहा हूँ आज। बाहर इतनी अच्छी अच्छी आज हवा चल रही है, वो हवा नहीं चल रही, बारिश पड़ी हुई है, यहाँ बारिश पड़ी है, मैं फिसली ना जाऊँ, बाकी ठीक है। ये लाइट चल रही है कि नहीं? ये हमने सोलर लाइट्स लगा रखी हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, कि इसके थोड़ा पास जाते ये ना जल जाती हैं। अरे क्यों बेइज्जती करवा रही है, आई थिंक ये नहीं चल रही है, ऑफ थी, और बारिश पड़ रही है यार, सही में मज़ा आ जाएगा आज, मतलब बारिश, ओ हो, मुझे बारिश इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मैं कहता हूँ भाड़ भी आ जाए ना बारिश, मैं तब भी चिल मारूँ खिड़की में, चाय लेके पूरी बारिश इन्जॉय करूँ, मैं उस किस्म का बंदा हूँ, मतलब मुझे ना बारिश पड़ रही हो मैं बाहर निकल जाऊँ, रोड पे निकल जाऊँ, बारिश में गिल्ला हो जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतनी सी बारिश लगती है। और हरविंदर का उल्टा है, उसको बारिश आए ना उसको बस अंदर बैठ के बस बारिश देख के इन्जॉय करना पसंद है, उसको बारिश में निकलना पसंद नहीं है। हाँ कह सकते हैं वो, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट ज़्यादा है और मैं एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा हूँ, इसीलिए तो पानी अंदर ना आया, आने दो यार, आने दो, सुबह आंटी ने आना ही है। हम तो ऐसे हैं भाई, हम तो आंटी का काम भी नहीं बढ़ाते, मतलब हमने आधी सफाई तो खुद ही करते जाते हैं साथ साथ में, आंटी के भी मज़े हैं। चलो दाल को तड़का मारना अभी मेरे को, दाल बस हो जाए एक बार। मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मसाज लूँ ना लूँ, क्योंकि ये 20 मिनट मुझे लगातार लेनी पड़ेगी, फिर बंद नहीं करूँगा बीच में, और उतनी देर में हरविंदर अंदर आ जाएगा, मतलब घर आ जाएगा तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, अभी रहने ही देता हूँ, वो आता है फिर लेता हूँ, तब तक नींबू पानी पी लेते हैं। आ गए, बाहर बारिश हो रही है, पता भी क्या है बारिश में? अरे हाँ बारिश से तो आए हो आप। क्या ही सवाल पूछता हूँ रे मैं भी, बारिश से तो आया है वो, और मैं पूछ रहा हूँ कि बारिश पड़ रही है नहीं पड़ी, और मैं तो दाल बनने शुरू हो चुकी है, अभी मुझे लग रहा दाल बहुत तड़क रहा हूँ, इसके ढक्कन का ये निकल गया, पहले दाल गली नहीं थी मेरी, अब शायद अब गल चुकी है, कुछ ज्यादा ही गल चुकी है। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया है ये लहसुन, और लहसुन के बीच में डालेंगे हम थोड़ा जीरा। और मैं पता क्या करता हूँ, मैं पहले ना बिना तेल के बनाता हूँ पूरी दाल, फिर उसके बाद तेल या घी का तड़का लगाता हूँ, लहसुन वगैरह मैं बाद में डालता हूँ इसमें, और इसका तड़का इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस देता ना, बाद में मज़ा आ जाता है। अभी मैं आपने देखा होगा मैं कैसे तड़का लगाता हूँ, तड़का ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा, बस इसके ऊपर इसलिए पका रहा हूँ, यहाँ से मैंने दरवाज़ा खोल रखा है किचन का, और सीधी हवा आ रही है गैस के ऊपर, और गैस ना बंद हो जा रही है, इसीलिए इसको जलाने का ना बुझने का कोई डर ना कुछ, हो जा भाई हो जा। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछूँ भाई, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, शेयर करो हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। हाँ आप वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बट हमें हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा शेयर भी करो कि और लोग भी देखें हमारी वीडियो। ओहो चल, कहते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये चलने वाला होता है, बस ये
ये डाल लाइन थोड़ा सा दूर रहे। ओ भाई मस्त मस्त, अभी दिखाता हूँ ये देखो। ओ भाई क्या दाल दिख रही है। अब करेंगे हम दाल। ओहो इसका ढक्कन पहले सही से करूँ मैं। अभी पता क्या, तड़का लगाने के बाद हम दाल को करेंगे थोड़ी देर के लिए ऊपर से बंद, कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो अंदर ही रहे। जब खाने खाना खाना होता है, जब ठंडी होती है ना दाल, फिर उस टाइम पे इतनी अच्छी लगती है ना खाने में, मज़ा आ जाता है। तो इसको मैंने ढक्कन चढ़ा दिया। और हरविंदर अंदर लेटा हुआ, वो ज़्यादा थका हुआ था, मैंने कहा चल भाई तू लेट ले, तब तक मैं करता हूँ थोड़ा सा वीडियो को, तड़का तुड़का मार लेता हूँ। आई केम होम लिटिल एग्जॉस्टेड और आई हैव फिनिश्ड माय शावर। और देखना ये देना शावर लेके पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। और देखना ये देना क्या ढूंढ रहा है। मॉइस्चराइजर इज विद मी, मैंने जस्ट लगा के रखा है। आपका मॉइस्चराइजर कहाँ है भाई साहब? मेरा तो आपने खत्म कर दिया ना, वो ऊद वाला। नाड़ा देखना इसे, नाड़ा देखना। वो ऊद वाला खत्म कर दिया ना आपने मेरा। ऊद वाला खत्म कर दिया। हियर इट इज, हियर इट इज। ये तो खत्म ही हो चुका है। ये कहां खत्म ही हो चुका है। I have used it all over my body और still वो एक बार बॉडी पूरी बॉडी पे यूज हो जाएगा। मैं तो बॉडी पे नहीं लगाता ना, मेरे को मेरे पे छोटे-छोटे हाथ था, मैं इन पे लगा दूंगा। हां छोटे-छोटे हाथ, चूजा छोटा सा, चिलगोजा। खाना खाना अभी? हां खाना खाते हैं यार, भूख लग रही है। भूख लगे पहले खाना खा लेते हैं, स्क्रीन सबसे बातें करते हैं। ठीक है। और अभी हम खा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, सॉरी डिनर। हां वो आज बढ़िया अच्छा लग रहा है। नेटफ्लिक्स, यहाँ नेटफ्लिक्स देख रहे हैं हम, देखते हैं कार्टून में मूवीज। कार्टून में यार देखने का अलग ही मजा है यार, ना कोई नेगेटिविटी, नेगेटिविटी ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, इट्स फन। चलो अभी हम ये देखते हैं और खाते हैं खाना। तो मूवी वगैरह देख के अभी जस्ट हम फ्री हुए हैं और ये जा रहा अभी ब्रश करने। सर कांटा नहीं करना है, ब्रश करना है। परेशान किया, उठ के गया बाहर, पता नहीं क्या सीन है इसका। ये देख, ये देखना, ये देखना क्या चल रहा है यहाँ पे आधी रात को। ये देखना आधी रात को उठ के ये वाटरमेलन खा रहे, भूख लगी हुई है भाई साहब। इसका पेट है कि कुआं। अभी डिनर किया था सोने से पहले हमने, पानी पी लिया, कुछ कर लिया, जीरो कैलरी ड्रिंक पी, पानी कहानी लगा नहीं, इसने वाटरमेलन खाना है। देख शक्ल देखना इसकी, शक्ल देखना अब मुझे पचेगा नहीं। जैसा वाटरमेलन वैसी इसकी शक्ल, लाल शर्ट ही है, शक्ल कर दी थी माए। आइडली हमें एसी का टेम्परेचर 24 रखना चाहिए, वेयर एज आई कीप इट ऑन लाइक 27 बिकॉज एसी की कैपेसिटी ज़्यादा है। वो इधर देखियो, इधर देखियो ये क्या खा रहा है। ये देखना, ये कहने को प्रोटीन है और कितनी हाई कैलोरीज है उसमें, और इसको इसके ट्रेनर ने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे रखा हुआ है। खाता है क्या मेरे डाइट में? बचा ही क्या? वाटरमेलन की क्वांटिटी ज्यादा होती है कि फ्रूट आपको वेट गेन में हेल्प करता है, अगर रात के टाइम खाओगे तो। गेन नहीं ना करना, गेन नहीं करना, पढ़ाई कर लेनी थी थोड़ी सी, थोड़ी समझ आ जाती। बकवास, जितनी कैलोरी ए 50 ग्राम पनीर से आ रही है ना, 50 ग्राम का तुम लोग खाया। देख आंखें देखना टीवी की, ऐसे बात कर रहा था, देख इधर उधर। हाँ मैं ऐसे कुछ सोच रहा था, मुझसे बात करनी है। हाँ तो वेट चेक नहीं किया था, ऐसे काट के लिए कटा हुआ था थोड़ा सा, कोई नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आ गया हमारा ट्रेनर भी हमारा ब्लॉग देखता है, ही विल गेट टू नो, ही विल मेक यू डू मोर ऑफ कार्डियो, he'll make you do more of क्या कहते हैं उसको, सुपर सेट्स। कोई ना ब्लॉग में तो वो ये भी देख रहे होंगे ना कि मैं पहले कभी नहीं खाता था, तो ऐसे आज ही खाया, पहली बार ही खाया ब्लॉग में। वो तो मैंने वैसे तो मैं छड्डों पर ही खाने थे उसको, मैं तो पर्दे डालता था। हाँ नहीं सीरियसली पर्दे मैंने डाले हुए थे। अभी रात हो गई है ना, अभी ये ना मेरे को ना दुखी करने शुरू हो गया कि एसी का टेम्परेचर ये कर दे वो कर दे। अरे यार मतलब तुझे ठंड लगती है तो मैं क्या करूँ, तू दूसरे रूम में जाके सो जा ना।
ये रूम मेरा है, ये रूम मेरा, अपने रूम में जाके सो जा। मुझे अकेले डर लगता है, अकेले डर लगता है यार। मतलब अकेले मैं सो लेता था, ठीक है, जब से इसने मुझे डराया हुआ ना, अब मुझे ना ऐसे मैं सो भी रहा होता ना, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ कोई खड़ा है। नहीं मैंने क्या क्या डराया बच्चा, यार भूत प्रेतों की बातें करनी है आपने, ऐसे वहां देखा उस वहां पे वो बता रहा था ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर वैसे ही माइंड में चलता है सारा कुछ। और देखनी हॉरर फिल्म में खुद है, मैंने हॉरर मूवीज देखना ही बंद कर दिया है इसी रीजन से, इसी रीजन से कि सुसु करने नहीं जाता तेरे में। माय गॉड, सुसु करने मुझे कौन सा, यहां पे बाहर जाना है मोहल्ले के बीच में करने, अंधेरे में सुसु करने नहीं उठता, लाइट लानी पड़ती है। ओ हेलो, यहां मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, और यहां पे वॉशरूम है उस तरफ, हां कितना दूर है, तो वॉशरूम में घुस के बैठा हुआ है, डर लगता तुम्हें जाने के। हे भगवान, कोई इसको थोड़ी सी अक्कल दे, अक्कल दे, मुझे तेरे साथ बिल्कुल सोने में मजा नहीं आता, बट क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खाटे मारते हो आप भाई, मुझे अक्कल है, अगर सिर घूम गया ना पटकता दूसरे रूम में, देखो ये अक्कल है इसको, ऐसे गेंद पर रात को उसके खाटे से, मैं खराटे लूं फराटे लूं शराटे लूं, तो मुझे मत डराया करो कि मैं दूसरे रूम में जाके सो सकूं, मेरी मर्जी। अभी मेरे मुंह से मन से डर जाने में टाइम लगेगा कि मैं दूसरे रूम में जाके सो पाऊं, ये दस तो पिलो लेके सोता है, हाँ तो इधर पिलो चिपका उधर पिलो चिपका, दूसरे को जगह नहीं मिलती, क्या करे, हमारी ना शादी हुई है ना अपून की गर्लफ्रेंड है, तो क्या कल्ले ही सोना है, सराहने पकड़ने हैं, तकिए पकड़ने हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं है, वो घर वाले देख रहे हैं इसलिए बोल रहा, लेकिन मुझे सब पता है, हे भगवान, मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भाई मत बोल, मेरे घर वालों ने सच समझ लेना है, फिर बात शुरू नहीं करनी थी, घर वाले सच समझ लेंगे, कुछ भी बोल दो झूठ है, ये मुझे मेरे घर वालों ने निकाला ना, तू तो गए ओए होए, ये पता नहीं कौन सी उसकी कौन सी मूवी से आया है जहाँ पे जी गर्लफ्रेंड बनाना पाप होता है, कोई होता पाप नहीं होता है ही नहीं है, घर वाले बोलेंगे पता नहीं है, शादी करवाओ इसकी, वो अगे शादी के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों करनी है मुझे, ना भाई मुझे नहीं करनी है, अभी तो करियर बनाना है, करियर नहीं, मुझे कोई पूछे मेरे से बड़ा है ये, तू क्यों नहीं कर रहा, शादी करने के लिए मेरे ऊपर का प्रेशर है, मैंने कहा अगर अगर आप जैसे झूठ बोल रहे हो ना, गर्लफ्रेंड बनाई है ये पता लग गया तो प्रेशर बन जाएगा, हाँ घर वाले तो चोची खाते हैं रोटी थोड़ी ना खाते, कसम करके कसम से मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे कल फोन खड़के ना सीधा पहले आपका गला दबाना है, कोई मम्मी को बोल दूंगा कि ये जो मैंने बोला है वो सारे मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, जो बोला है मैंने एकदम सच बोला है, वही आप ही बोल रहा हूं, झूठ निकला है मुझसे, हां मैं वही बोलूंगा ना, रोटी की चोची खाते हैं वो भी बोला है मैंने सच बोला है, लेकिन झूठ निकला है मुझसे, ये बोल यही बोला मैंने, आगे इसकी बकवास को दफा करे, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिंगल है सिंगल ही रहेगा, घर वाले देख रहे हैं ना वीडियो, इसलिए सिंगल है सिंगल ही रहे, नहीं हम घर वाले की मर्जी से ही शादी करेंगे, तो ऑफ कोर्स इतना पैसा कहां से आएगा शादी करने, वो घर वाले खर्चा करेंगे, नहीं घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करेंगे, वो जबरदस्ती पसंद करवाओगे, नहीं भी पसंद आएगी उनको तो, क्यों वो क्यों, हाँ नहीं इतना तो है भाई फैमिली ओपन हमारी भोपाल का, अगर पसंद है तो हाँ करो, नहीं है तो ना करो, खुद ही बोल दिया पसंद है नहीं, जिससे शादी होएगी भाई, ये क्यों बोल रहा है भाई, तू कहने का घर से तलाक दिलवाएगा मेरे को, घर से तलाक, घर निकालना बोलते हैं इसको, देखो बात ये है, मैं भाई गुड नाइट बोल रहा हूँ, इसने मेरे घर खिलाना है क्लेश, ठीक है, तभी कहते ना बड़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए, खासकर भाइयों के मुंह तो लगना ही नहीं चाहिए, भाई के नाम पे तू जल्लाद पल्ले पड़ा है, ये उंगली करता ना वैसे, सुन फिर सुन सुन सच्चाई, शुक्र है उंगली ही करी है मैंने, हाथ नहीं करा पूरा, अरे मैंने अभी हाथ करके देखी बेटे, सारे चिट्ठे वो जो है ना चैटिंग वगैरह सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं मैंने, चलो गुड नाइट, इससे पहले कि मैं ये पिटेगा मेरे से, इससे पहले कि ये कल सड़क पे ब्लॉग बनाता दिखे सर पे डंडे से दिखे घर वालों से, हम अभी आपसे अलविदा लेते हैं आज के लिए, आपको कल मिलते हैं, ठीक है जी, गुड नाइट, बाय बाय, ऐसा टॉपिक लगाया जिसके ऊपर मैं कोई बात भी नहीं कर सकता अभी, चलो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा अगर मैं ठीक ठाक रहा तो।